श्रमिक मंत्री की टीम ने एडीजी प्रेम प्रकाश से खास मुलाकात की और बदलते कानपुर शहर के लिए बधाई देते हुए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। प्रेम प्रकाश जी ने इस बड़े बदलाव के लिए कानपुर शहर की जनता को धन्यवाद दिया और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर हो रहे बदलावों में जनता के सहयोग के लिए उनको सराहा। आइए सीधे सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा एडीजी प्रेम प्रकाश ने। सर, जिस तरीके से कानपुर शहर पिछले कई महीनों से एक उत्कृष्ट व्यवस्था के साथ में सुचारू रूप से चल रहा है और ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ सर आपके अथक प्रयासों की वजह से सर हो रहा है, सर जनता से सर क्या अपील करना चाहेंगे भविष्य के सुगम तरीके से चलने के लिए? सर, कोई भी व्यवस्था बिना जन सहयोग के कारगर सिद्ध नहीं हो सकती, ये मेरा मानना है। हमने एक शुरुआत की एजुकेशन प्रोग्राम से, क्योंकि जो तीन पिलर हैं ट्रैफिक सेफ्टी के लिए वो है हमारे एजुकेशन, उसके बाद इंजीनियरिंग, उसके बाद इन्फोर्समेंट का नंबर आता है। तो हम लोगों ने एजुकेशनल प्रोग्राम चलाए, साथ ही इंजीनियरिंग के मामलों में नगर निगम, KDA, अन्य संस्थाओं की मदद ली और अब इन्फोर्समेंट का भी कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, TI, PSI, ये समस्त टेस्टेड ऑफिसर्स इसमें काम कर रहे हैं और साथ ही थाना और चौकी का स्टाफ भी इसमें सहयोग कर रहा है। इसके साथ ही हमने कुछ NGOs हैं जो वॉलंटियर करते हैं अपनी सहायता देने के लिए ट्रैफिक इन्फोर्समेंट के लिए, उनकी भी सहायता ले रहे हैं। और सबसे पहले हम कार्रवाई शुरू कर रहे हैं बड़े चौराहों पर, जो ऐसे इंटरसेक्शंस हैं जो बिजी रहते थे, जहाँ पर काफ़ी कंजेशन था, उनको डीकंजेस्ट किया गया है। वहाँ से ठेली, रिक्शा, पैदल करने वाले लोग जो हैं उनको सभी को वहाँ से हटाते हैं और प्रॉपर जो उनकी जगह है वहाँ उनको बताई जा रही है, जैसे जहाँ पार्किंग है या जो जेब्रा क्रॉसिंग है पेडेस्ट्रियन के लिए या कोई साइकिल पथ है, इसी प्रकार से जो वाहनों की जो लेन है उसका डिसिप्लिन मेंटेन करें, साथ ही स्टॉप लाइन पर रुके जब भी रेड सिग्नल देखते हैं या ट्रैफिक पुलिसमैन के द्वारा जब भी उनको रुकने का इशारा किया जाता है या चलने का इशारा किया जाता है या मुड़ने का इशारा किया जाता है उसका पालन करें। तो मेरी जनता से अपील है कि वो कृपया ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए है। जैसे हेलमेट पहनना, इससे सिर बचाया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मौतें हो रही हैं वो सिर की चोट से हो रही हैं। इसके साथ ही सीट बेल्ट पहनना, क्योंकि सबसे पहले सिर ही टकराता है डैशबोर्ड पर अगर कोई हाई स्पीड पर कोई एक्सीडेंट होता है, तो सीट बेल्ट के लिए प्रेरित करें पहनने के लिए। इसके साथ ही जो अन्य ट्रैफिक के नियम हैं, जैसे पेडेस्ट्रियन को देखते हैं तो वहाँ गाड़ी रोकते हैं या कोई पुलिसमैन आपको इशारा करता है गाड़ी रोकने के लिए उसको रोकते हैं, चेकिंग कराएं। वैसे सामान्यतः हम लोग कोई डिटेल चेकिंग के लिए मना करते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर विजिबल वायलेशन हो रहा है, जैसे हेलमेट भी नहीं पहने हुए हैं, मोबाइल पर बात करते हुए जा रहे हैं, हेडफोन लगाए हुए हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए, तो इस तरह के मल्टीपल ऑफेंसेस कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को जरूर रोका जाए और फिर उनके चालान भी किए जाए। इससे काफ़ी एक चेंज नज़र आ रहा है कानपुर में और आप देखेंगे लगभग सभी चौराहे डीकंजेस्ट किए गए हैं, कुछ जगह वन वे ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है। इसमें जनता से हमारा अपील रहेगी कि लोग सहयोग करें, क्योंकि ये सब नियम उनकी सुरक्षा के लिए। कानपुर से श्रमिक मंच के लिए संवाददाता विशु रक्सेल की रिपोर्ट।